तो ये है एचपी का लेजर प्रिंटर, एचपी एमएफपी 128 FN। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है, प्रिंटर ऑन करते ही इनिशियलाइज होके ये अटक जाता है, ठीक है। और कभी कभी 2-3 सेकंड के लिए इसका गियर वगैरह घूमते हैं और ये इनिशियलाइज जो ऑप्शन है ऐसा ही होता है और रेडी भी नहीं होता है मतलब। तो इसका 2-3 प्रॉब्लम होता है, तो मैंने जो सोचा था, सबसे पहले इसका जो फार्मवेयर है, फार्मवेयर को अपग्रेड करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम, पहले मैं वो दिखा देता हूँ, बाकी इसका दूसरा जो प्रॉब्लम है वो इसके बाद में दिखाऊंगा। तो पहले देखते हैं स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये आप ऐसे एचपी की वेबसाइट पे जाओगे और एकदम इसका नीचे फार्मवेयर है, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ऐसे करके ये अपडेटिंग डिवाइस और ऐसे करके प्रोसेस होगा, प्रोग्रेस होगा। तो देखिए आप ध्यान से फ्रेंड्स, ऐसे जब प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमें ये फार्मवेयर को अपडेट करके देखना चाहिए। देख के अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो इसका दूसरा प्रॉब्लम है, वो बहुत सारा रीजन के कारण हो सकता है, वो आपको प्रिंटर खोल के देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं खोलेंगे तब पता नहीं चलेगा इसका कौन सा प्रॉब्लम है। तो लगभग अपडेट इसका कंप्लीट हो ही रहा है और इसी साथ ये देखिए डिवाइस अपडेट सक्सेसफुल, बट उसके बाद भी नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम। फिर मैंने प्रिंटर को खोल लिया है, खोल के ये जो अभी मेरे हाथ में देख रहे हो कंट्रोलर यूनिट, तो ये कभी कभी अगर ख़राब होता है तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो ये आप इसको बदल के देख सकते हो, क्योंकि मेरे केस में यही ख़राब निकला है। कस्टमर को जल्दी था इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो सीधा मैं इसको चेंज करके दे दिया था। तो मेनली इसका प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको इसको चेक करना होगा और इसको केबल वगैरह इसको उन सबको चेक करना होगा। और दूसरी जो मेन है वो है इसका लेज़र, ये लेज़र इसको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको बदल भी सकते हो। और इसका जो केबल है, केबल खराब होने पर ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक करना।